हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ इज़ वंडरफुल। और मैं हूँ शाती। तो आज मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और उठते ही मैं अभी पी रही हूँ पानी, जो कि मैं कोशिश करती हूँ पानी पीने की। अच्छा तो नहीं लगता है पर फिर भी पीती हूँ। और अभी मैं घर का काम करूँगी, तो घर का हालत तो आप देख रहे हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में एक छोटी सी बेटी है मेरी, तो उसकी वजह से मैं रात को क्लीन नहीं कर पाती हूँ। मतलब वो अगर देर रात तक सोती है तो ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं वो सब कुछ अभी समेट के फिर घर को ठीक ठाक करके सोने जाऊँ। तो इसी वजह से मैं वैसे ही रख देती हूँ, सुबह उठ के एक बार क्लीन करती हूँ, फिर वैसा के वैसा ही हो जाता है। जैसे कि आप लोग रोज़ देख पाओगे, मतलब देखते हो मेरी वीडियोज़ में। सो मैंने पूरे खिलौना जो था घर में वो समेट लिया है। अभी मैं बिस्तर को क्लीन करूँगी। मतलब बच्चे, हस्बैंड और हम लोग, जब सब लोग एक साथ रहता है ना, तब घर में ऐसा ही कुछ हालत रहता है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहता है। सो अभी मैं ये सारा क्लीन करूँगी और अभी चली जाऊँगी किचन में। बेटी अभी भी सो रही है और मेरे हस्बैंड गए हैं, आज मॉर्निंग शिफ्ट गए हैं, ड्यूटी है। तो सुबह ही उठी थी मैं, 3:30 बजे उठकर उनके लिए नाश्ता बनाया। सो पराठा बनाया था और काकरोल आलू फ्राई, तो वही थोड़ा सा रह गया था, वही मैं रख रही हूँ अभी। और जो जितना भी बर्तन हुआ है वो मैं धोने के लिए सिंक में रख दूँगी। और अभी मैं किचन काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँगी। रात को तो क्लीन करती हूँ, मतलब इसी वजह से मैं ज़्यादातर रात को किचन क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे खाना बनाना पड़ता है और सुबह फिर से बर्तन हो जाता है, किचन गंदा हो जाता है। तो मैं ही मैं क्लीन कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं गिरा है, सिर्फ आटे का जो डस्ट है वही गिरा है। तो मैं गीला कपड़ा लेके पोंछ रही हूँ तो वो क्लीन हो जाएगी, साबुन से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है आज। तो इसलिए मैं ऐसे ही सिंपली इसे पोंछ दे रही हूँ आज की काउंटर टॉप को। और फिर मैं बर्तन धोने के बाद अभी जाऊंगी बेटू को उठाने। अगर जल्दी नहीं उठाऊंगी तो दोपहर को वो सोती नहीं है, और अगर वो दोपहर को थोड़ी सी भी नहीं सोती है ना, तो मेरा भी कुछ काम नहीं होती है। और उसके पापा भी जैसे अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी जाते हैं, फिर आके दोपहर को उनको भी थोड़ा सा सोना होता है, तो वो किसी को सोने नहीं देती है अगर बेटू नहीं सोती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो उसे उठा ही देती हूँ, और उसे उठा कर मैंने खाना वगैरह खिला दिया है। और 2-3 दिन, शायद 4-5 दिन पहले के वीडियोस में मैंने बोला था कि फ़ैन गंदा हो चुका है, मुझे क्लीन करना है। तो लिविंग रूम का जो फ़ैन है उसको मैंने क्लीन किया था, पर ये बाकी रह गया था। और ये रूम जैसे कि किचन का सामने है ना, तो ये फ़ैन जो है ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल काला जो ऑयल है ना किचन का, जैसे फ़ैन में आके लग जाता है, चिपक जाता है, वैसा होता है। तो ये फ़ैन ज़्यादा गंदा होता है उससे भी। सो गीला कपड़ा लेकर मैंने क्लीन किया है और अभी घर में मैं झाड़ू लगा दूँगी। पूरे घर में ही झाड़ू लगा दिया है, उस घर में पहले लगाया, फिर इस घर में आने के बाद मैंने पहले फैन क्लीन किया है और फिर मैंने वो झाड़ू लगा दिया है। और बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया था, सो उसे मैंने ऐसे ही झाड़ के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी मैं जाऊंगी पौधे में पानी देने के लिए। अभी धूप इतना ज़्यादा है कि सूख जा रहा है बिल्कुल, और बारिश भी नहीं है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सो घर का सारा काम करने के बाद मैं अभी बैठ चुकी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, और मेरे साथ मेरी बेटी भी बैठ चुकी है और उसे ड्राइंग करने के लिए पेपर चाहिए, तो इसीलिए वो लाई है। मेरा एक्सरसाइज कम्प्लीट हो चुका है और अभी मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिया था और दूध भी ख़त्म हो चुका था। दूध वाला अभी थोड़े देर पहले आए थे तो दूध लिया है। और अभी बेटू के लिए भी नाश्ता बनाऊंगी और मेरे लिए बनाऊंगी थोड़ी सी चाय। और कल बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ताल, मतलब जो पाल होता है ना, उसका पाल्प निकाल के उससे बहुत कुछ बनाया जाता है हमारे पीछे। फिर रोटी, पूरी, सब कुछ बनाया था। तो मैंने पूरी बनाए थे तो वही है। सो उसी से मेरा आज का नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा, मैं और कुछ नहीं बनाऊंगी। और बेटू के लिए देखते हो कुछ बनाऊंगी। है कि खाबी खबर की खाबी, सूजी खाबी ना खिचड़ी? सूजी
सो ब्रेकफास्ट करने के बाद और बेटू को खिलाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद मैं बिल्कुल भीग चुकी थी पसीने से, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फटाफट से नहा लिया और कपड़े वगैरह जो भी था वो धो लिया है, और अभी मैं खाना बनाऊँगी, मतलब लंच। तो लंच में आज क्या बनेगा वही सोच रही थी, तो हस्बैंड ने बोला, मतलब फ़ोन किया था उन्होंने और बोला कि भिंडी बना दो, भिंडी मसाला भिंडी बना दो फ्राई करके थोड़ा सा, और कुछ नहीं चाहिए दाल बना दो तो हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है मुझे अगर कम सब्जियाँ बनाना पड़े तो। तो इसी वजह से मैं आज बनाऊँगी मसाला भिंडी, और राइस मेरा बन चुका है, दाल भी मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे भिंडी को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट किया है और इसे मैं अभी ऑयल में फ्राई करूँगी। उसके साथ थोड़ी सी मतलब एक आलू भी दे दूँगी, तो आलू भी मैं फ्राई करूँगी। और आलू और भिंडी मैंने फ्राई कर लिया है, कढ़ाई में दे दिया है 5 फोड़न और प्याज, उसे अच्छे से फ्राई करूँगी। और सारे मसालों को मैं एक पेस्ट बना लिया है टमाटर वगैरह अदरक का, और उसे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और उसे फ्राई कर लिया है। सो मसाला रेडी है, तो भिंडी दे दूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तो मेरा मसाला भिंडी भी रेडी हो जाएगी। और मैं अभी कर रही हूँ, मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। सो मेरा लंच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये रही भिंडी। और फिर मैं अभी आ चुकी हूँ घर में, और कपड़े वगैरह बहुत था, मतलब कल मैंने जैसे कि बोला कि चादर वगैरह चेंज किया था तो वही धोया था और सूख गया था, तो वो मैं लाई हूँ उठा के, और अभी मैं इसे फोल्ड करके रख दूँगी। तो बाकी सारा काम करने के बाद मैं अभी बेटू को नहला दिया है, और साबुन देके नहीं नहलाया है, सिंपल ऑयल और पानी से ही नहलाया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने उसे साबुन से नहलाया था। और अभी मैं उसे रेडी कर दूँगी और फिर मैं उसे भी लंच करवाऊँगी। और अभी वे बैठ गई है मोबाइल लेके, इतने टाइम में मेरे सर खा रही थी मोबाइल के लिए, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम थोड़ी देर देख लो। और अभी मैं उसे खाना खिला रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो वो खाएगी नहीं, तो इसलिए उसके लिए सिर्फ दाल और राइस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी शाम हो चुका है और मैं सो गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और घर का थोड़ा सा काम बाकी था तो वो किया, और अभी मैं कुछ बनाने वाली हूँ। मैंने जो सुबह आपको बोला ना कि जो पाम का पूरी मैंने बनाई थी कल, तो वही पाम का थोड़ा सा पल्प अभी भी है, तो उसी से मैं बड़ा बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट कोकोनट लाने के लिए, क्योंकि उसमें कोकोनट देने से टेस्ट अच्छा होता है, और कोकोनट तो घर में था नहीं तो इसलिए वो गए हैं। और ये मैंने कल ही निकाल के थोड़ा सा बॉयल करके, मतलब थोड़ा सा कुक करके रखी थी ताकि ख़राब ना हो जाए। ये देखिए, ये है बल्ब, तो मैं अभी इसे निकाल के रखती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाए फिर से हम बनाएंगे। सो ये है कोकोनट, जो कि मैं तोड़ने गई तो उसका अंदर का हिस्सा पूरा निकल गया था, तो इसीलिए मैंने जो काला ऊपर का छिलका था वो छील लिया है, और अभी मैं उसे ग्रेट करूँगी। और बाद में मुझे ग्रेट करने के थोड़े से टाइम लग रहे, तो इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में दे के थोड़ा सा घुमा दिया था, तो मेरा जो कोकोनट था वो रेडी हो चुका है। और अभी मैं मिक्सचर बना रही हूँ जो बड़ा का है, वो 5 चम्मच मैंने मैदा दिया है, 5 चम्मच सूजी, 5 चम्मच शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और वो कोकोनट, और ये यहाँ पे मैं पल्प दे रही हूँ पाम का, और इसे मैं अभी अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर रख दूँगी, क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ी सी फूल जाए। और फिर मैं गर्मा गर्म ऑयल में इसे दे रही हूँ फ्राई करने के लिए, छोटा छोटा बड़ा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल बनता है ये, और ये जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक फ्राई करेंगे, फिर इसे उठा लेंगे। तो ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है और अभी मैं इसे उठा लूँगी। सो ऐसे ही सारे जो बड़ा है वो फ्राई कर दूँगी, और एक साइड में बड़ा फ्राई कर रही हूँ और दे रही हूँ अभी दाल बॉयल करने के लिए, मतलब डिनर के लिए। मेरा जो सारे बड़ा है मैंने वो सब कुछ बन चुका है, ये देखिए बहुत सारा हो गया है उसमें से, इतना सारा बड़ा हुआ, और दाल भी चढ़ा दिया है रात के डिनर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं अभी यही पे एंड करूँगी,
और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।